सफेद बालों को जड़ से नेचुरली काला करने का एक ऐसा जेल जिसमें ना तो हिना यूज किया गया है ना ही इंडिगो, और एक ऐसा मात्र और यूनिक ये जेल है जो कि आपके ग्रे हेयर को कवर करेगा। क्या तुमने सुना है कि केमिकल ट्रीटमेंट कराने से सफेद बाल हो जाते हैं? हाँ, सुना तो है, सफेद बाल हो जाते हैं चाहे आपकी उम्र 20 साल। और तो और, सफेद बाल होने के साथ साथ बाल जड़ से झड़ने भी लग जाते हैं और गंजापन सा हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही मजबूरी वाली बात है। केमिकल ट्रीटमेंट करा के पैसे भी लगाओ, सफेद बाल कराओ और अपने आप को गंजेपन का शिकार बनाओ, तो इसका इलाज है क्या? और उस सफेद बाल और गंजेपन को दूर करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करो, तो जेब से तो बहुत सारे पैसे जा रहे हैं लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका इलाज क्या है? क्या हम होम रेमेडीज के साथ इसको ठीक कर सकते हैं? कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? जी हाँ, होम रेमेडीज के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कहानी जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ग्रे हेयर की प्रॉब्लम साथ ही साथ बालों को झड़ने की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ये मेरी जर्नी है 5 से 6 साल पुरानी, जिसमें मैं अपने ग्रे हेयर को और अपने गंजेपन को दूर कर रही हूँ होम रेमेडीज़ के साथ। आपने काफ़ी अच्छे से रिजल्ट्स देखे होंगे मेरे लास्ट की हेयर ग्रोथ जर्नी में, और अभी रिसेंटली फिर से मैं अपने हेयर को ग्रो कर रही हूँ और साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रे हेयर को कवर करने के नेचुरल तरीके। नो डाउट इसको आप 10, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और 60, 65 के मैन और वुमेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल इन वन बहुत ही अच्छा सा हेयर पैक है जो कि आपके हेयर को ग्रोथ देगा। आपने जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स कराए हैं और उससे साइड इफेक्ट्स हो गए हैं उसको ये रिवर्स करेगा, आपकी स्कैल्प को क्योर करेगा, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, जड़ से बालों को उगाएगा, बालों को काला करेगा और जो जड़ से बाल आएंगे वो भी काले आएंगे अगर आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ इंटरनल हेल्थ का हमें ध्यान रखना होता है सो दैट कि आपको कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, ये जो मास्क है मैं इसको 3 तरीकों से बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 3 अलग अलग तरीके इसमें शो किए गए हैं, साथ ही साथ मैं इसको रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी, डेमो और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। 15 डेज का ग्रे हेयर चैलेंज हमारे चैनल पर चल रहा है जिसमें आज है हमारा 13th डे, 13वां दिन है जिसमें हम यूज़ करेंगे एक ऐसा हेयर मास्क जो कि बिना हिना बिना इंडिगो के होगा आपके ग्रे हेयर को कवर करने के लिए। बहुत ही अच्छा सा ये हेयर मास्क है जो कि आप कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसने केमिकल ट्रीटमेंट लगा रखी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसने नहीं लगा रखी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक दिन में जादू नहीं हो जाता है, इसलिए इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना होगा। और ये इतनी ज़्यादा अच्छी रेमेडी है कि देखने और लगाने के बाद आप बोलेंगे वाह भी वाह। सबसे पहले हमने लेनी है अपनी प्यारी सी लोहे की कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाला है फानुग्रीक सीड्स। जो फानुग्रीक सीड्स है, जिसको मेथी दाने भी बोलते हैं, उसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर को टैकल करता है। अगर इसको सोक करके हम यूज़ करते हैं आंवला जूस के साथ तो ये आपके स्कैल्प को और भी हेल्दी बनाता है और एक शैम्पू के जैसे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लिया है थोड़ा सा कलौंजी, और जो कलौंजी है ये आपके ग्रे हेयर को रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें बहुत अच्छे से स्टडी भी हुई है, रिसर्च भी हुआ हुआ है कि ये आपके ग्रे हेयर को कवर करता है, रिवर्स करता है प्री मेच्योर ग्रे हेयर को। इसमें हाई कंटेंट ऑफ लिनोलाइक एसिड होता है जो कि आपके ब्लैक पिगमेंट सेल जो होते हैं फॉलिक्स में उसको कम होने से बचाता है। उसके बाद मैंने लिया है फ्लैक्स सीड्स जो कि रिच होते हैं विटामिन ई में और ये ग्रेट सोर्स होते हैं आपके विटामिन ई, और आपके बालों को मॉइस्चर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं आपके स्कैल्प में, जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ होता है, आपकी हेयर ब्रेकेज नहीं होती है और आपका प्री मेच्योर ग्रे हेयर कवर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लिया है तुलसी लीव्स। यहाँ पे मैंने ड्राइड वाले तुलसी लीव्स लिए हैं और तुलसी लीव्स आपके हेयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि जो सन रेज हमारे बालों के ऊपर पड़ती हैं उसके साइड इफेक्ट को भी ये ठीक करता है, साथ ही साथ स्कैल्प की हेल्थ को बनाए रखता है, आपके डैंड्रफ को दूर करता है। तुलसी को अगर सिर्फ आंवला पाउडर के साथ मिक्स करके भी लगाया जाए तो भी आपके बालों को डार्कन अप करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है और आपके बालों को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है रतन जोत। रतन जोत जो है ये आपके बालों को ग्रो करने के साथ साथ आपके कलर भी देता है, ग्रे हेयर को कवर करने के लिए इसको काफ़ी सारे नेचुरल हेयर कलर जो आपको मार्केट में मिलते हैं उसको यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारी और हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि हेयर लॉस या बालनेस को भी ये क्योर करता है। तो थोड़ा सा मैंने लिया है रतन जोत। मस्क रूट मैंने लिया है,
जिसको हम वैटीवलर रूट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मस्क रूट जो है इसकी तासीर ठंडी होती है और ये जो है ये आपके बालों में स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। जनरली क्या होता है, सर्द गर्मियों में और जो बारिश का सीज़न है, आपके स्कैल्प में सिबम प्रोड्यूस होता है, पसीना आता है, और हम अगर इस तरह से बहुत सारे हर्ब्स को मिक्स करके लगाते हैं तो सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कई बार हमें फोड़े फुंसी से हो जाते हैं या फिर दाने से निकल आते हैं या फिर ईचिंग से होने लग जाती है। तो ये उसको कम करता है और आपके हेड को काम डाउन करेगा। सो ये फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ एक से दो रूट। जैसा कि अभी गर्मी थी, ह्यूमिड का सीज़न था और मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेड में पेन हो रहा था, तो मम्मा ने सजेस्ट किया कि इसको ऐड करके ज़रूर यूज़ करना, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। और मैंने इसको इस तरीके से पहली बार यूज़ किया है और बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे मिला है। इससे हेड जो मेरा दर्द हो रहा था गर्मी के कारण वो भी ठीक हुआ, साथ ही साथ इससे मुझे काफ़ी कूलिंग इफेक्ट भी मिला और स्कैल्प में जो हमें हल्का फुल्का ईचिंग होती है बाद में वो भी नहीं हुआ। तो बहुत 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 अच्छी रेमेडी। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें घर में पता होने के बावजूद भी हम यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करेंगे तभी आपको इसके इफेक्ट्स को पता चलेगा। सो इसमें मैंने ऐड किया है आंवला पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच के जितना आंवला पाउडर डाला है मैंने। इसके अंदर एक से डेढ़ गिलास के जितना पानी डालना है और ढक के रख देना है। इसमें अभी दो तीन और इन्ग्रीडियंट्स मैंने ऐड करने हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने ड्राई यूज़ किए हैं और ड्राई होने की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अमेजोन पर चल रही है मेगा फैशन डेज का सेल, जो कि 5 से 9 जुलाई पे है, और आप शॉप कर सकते हैं ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, ब्यूटी ब्रांड्स को, जिसमें आपको 70% ऑफ मिलता है। और सारे के सारे लिंक्स नीचे दिए गए हैं, जितने भी हर्ब्स मैंने यूज़ किए हैं इस वीडियो में, जितने भी इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ किया है सारे के सारे नीचे दिए गए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स रात को भिगो के रख देना है और सुबह इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है पहले। उसके अंदर मैंने डाला है हिबिस्किस, गुड़हल के फूल डाले हैं मैंने जो हल्के ड्राई हो गए थे। गुड़हल के फूल को नेचुरल कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रे हेयर को कवर करने के लिए। बहुत सारे नेचुरल हेयर डाइज में आपको में इंग्रेडिएंट मिल जाएगा जो कि एक हल्का सा रेडिश कलर देता है। जो रेडिश कलर वाला फ्लावर होता है वही लीजिएगा तो आपके बालों को डार्कन अप करेगा। मैंने 5 से 7 हिबिस्किस फ्लावर्स लिए हैं। उसके बाद करी लीव्स मैंने लिया है। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन बी होता है, जो कि आपके मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपके नेचुरल हेयर पिगमेंट को बनाए रखता है हेयर फॉलिक्स में। सो करी लीव्स में सेलेनियम, जिंक, आयोडीन और आयरन होता है, जो कि आपके ग्रे हेयर को डिले करता है, आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी ठीक करता है। आपने बहुत बार देखा होगा करी लीव्स का हेयर ऑयल आप लोग यूज़ करते होंगे। करी लीव्स को काफ़ी नेचुरल हेयर डाइज में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ रियली वेरी वेरी गुड इन्ग्रीडियंट फॉर आर मास्क। सो इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर दिया है और तब तक बॉयल किया है जब तक कि ये सारे जो सॉफ्ट इन्ग्रीडियंट्स थे हमारे अच्छे से फूल जाएं और हमारे को अच्छा सा ये लिक्विड तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा करेंगे तो पानी कम हो जाएगा, चाहे तो आधा गिलास के जितना पानी और डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा, स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बॉयल करिएगा, बंद कर दीजिएगा और उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। और फिर हमने इसको डालना है जार में। नाउ जार में डालने के बाद इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने से पहले जो हमने मस्क रूट डाला था उसको आपने निकाल लेना है, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होगा और आपको उलझन देगा। वो जड़ होती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है, मीन्स टूटती नहीं है, बहुत पक्की होती है। इसी तरीके से ये आपके बालों को भी पक्का करता है, मीन्स मजबूत बनाता है कि खींचने से टूटेगा भी नहीं। सो इसलिए उसको निकाल लीजिएगा, ब्लेंड कर लीजिएगा, मसलिंग क्लोथ से छान लीजिएगा। छानने के बाद कितना प्यारा सा जेल आ गया है। इस जेल को आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको एज ए हेयर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप बिना ऑयलिंग लगे बालों पे इसको लगाएंगे और अपने हेयर को 1 घंटे के बाद वॉश कर देंगे तो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर कवर होगा। अगर आपके ऑलरेडी ग्रे हेयर है तो आपने लेना है मेहंदी, हिना लेनी है लोहे की कढ़ाई में और इसको जेल को डाल देना है और पूरी रात के लिए भिगो के रखना है और फिर अगले दिन आपने उस मेहंदी पैक को लगाना है। सो दो ऐसे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है एज ए हेयर शैम्पू और हेयर शैम्पू के लिए मैंने अपने रूट्स में लगा लिया है। हालांकि मेरे ग्रे हेयर हैं और ये एक बार में रिजल्ट नहीं देगा, सो इसको मैंने अप्लाई किया है, उसके बाद 1 घंटे बाद वॉश कर दिया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे आया है, मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट सिल्की हो गए और मेरे हेड वॉश भी हो गया। तो फ्रेंड्स रिजल्ट आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रे हेयर को इंस्टेंटली कवर नहीं किया है, बट यस अगर हम देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि केमिकल ट्रीटमेंट करा के हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं उसको इसने ठीक किया है।
और साथ ही साथ अगर प्री मेच्योर ग्रे हेयर है तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा ये हेयर मास्क है। सो फ्रेंड्स, ये जो जेल बनाया है मैंने, ये बिना हिना बिना इंडिगो के है और ये इतना अच्छा कंसिस्टेंसी वाला जेल है जो कि आपके हेयर शैम्पू के जैसे भी काम करता है। इसको अप्लाई करके आप आधे पौने घंटे तक छोड़ देंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे, जिससे कि आपका हेयर जो है क्लीन भी लगेगा। इसको आप वीकली ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं और आपको शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगे कभी कि आपका ऑयलिंग किया हुआ है तो आप इसमें रीठा ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसको हेयर मास्क कम हेयर शैम्पू यूज़ करेंगे, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके बालों को जड़ों से काला करने के लिए, साथ ही साथ आपके बालों को लंबा और घना करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सा हेयर मास्क है। सो इसको अगर आप इस तरीके से यूज़ करके करते रहते हैं तो आपका रिवर्स हो सकता है प्री मेच्योर ग्रे हेयर। और अगर आपकी उम्र हो चुकी है 35 40 ईयर्स के हो गए हैं और आपके ग्रे हेयर होना स्टार्ट हुए हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आगे जो ग्रे हेयर आने वाले हैं उसकी स्पीड कम हो जाए। तो इस 15 डेज के चैलेंज में किस दिन पे हैं आप, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।